मोदी जी व उनकी पूरी टीम जो है, जब कभी महात्मा गांधी को मानते नहीं थे लोग, जब आजादी की जंग हुई थी तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबू कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के अंदर, उनको किसी को आरएसएस ने और बीजेपी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मान्यता नहीं थी। अब जाकर के उनके नाम का दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह कर, देशवासियों को गुमराह करने का काम कर रखा है बीजेपी ने, आरएसएस ने। इनका कोई संबंध ना गांधी से है ना सरदार पटेल से है, पर देश में वोटों की राजनीति में कामयाब होने के लिए ये दोनों नेताओं को, दोनों महापुरुषों को, सरदार पटेल को भी और गांधी को भी लेकर के चल पड़े हैं। हमें इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, पब्लिक के अंदर एक्सपोज करना पड़ेगा और नई पीढ़ी को हकीकत बतानी पड़ेगी कि इन्हीं सरदार पटेल ने, जिनका नाम मोदी जी बार बार लेते हैं, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए थे गांधी जी की हत्या होने के बाद में।